सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है, और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन तीन लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने। क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति नहीं है, लक्ष्य है भारत की ये राष्ट्रीयता, जो पूरे दुनिया को जोड़ने का एक मार्ग उजागर करती है, और लोग जुड़ जाए तो जिनके दुकान बंद होंगे उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए।